दोस्तों ईमित्र डैशबोर्ड की ये वाली फोटो और इसके साथ ही जो ईमित्र सर्टिफिकेट पे फोटो होती है उसको किस तरह से चेंज किया जाता है इसके बारे में ज़्यादातर ईमित्र धारक को नहीं पता। शायद इसी कारण से ज़्यादातर ईमित्र धारक के यहाँ पर वही फोटो दिया हुआ है जो आधार कार्ड में फोटो दिया हुआ है, यानी कि जो आधार कार्ड में फोटो लगा हुआ है वही फोटो यहाँ पर ईमित्र सर्टिफिकेट में लगा हुआ है और यही फोटो ईमित्र डैशबोर्ड पर भी दिखाई दे रहा है। तो अगर आप भी ईमित्र सर्टिफिकेट की फोटो और ईमित्र डैशबोर्ड की ये वाली फोटो चेंज करना चाहते हैं तो आज का वीडियो कंप्लीट देख लीजिए। चलिए आज की वीडियो में मैं आपको इसके बारे में कंप्लीट डिटेल में बता देता हूं। इसके लिए सबसे पहले आपको यहां पर क्लिक करना और बैक टू असोसो पे क्लिक कर देना है। आप चाहें तो डायरेक्ट असोसो आईडी को लॉगिन कर सकते हैं। असोसो को लॉगिन करने के बाद या फिर असोसो आईडी पे आने के बाद यहां पर आपके सामने असोसो का इस तरह का इंटरफेस आता है। यहां पर आपको एक छोटी फोटो दिखाई देती है, यहां पर आपको इस फोटो पे क्लिक करना है। उसके बाद यहां पर ये वाली फोटो दिखाई देगी, इस पे आएंगे तो यहां पर आपको चेंज फोटो का एक ऑप्शन दिखाई देगा, तो आपको इस वाली फोटो पे क्लिक कर देना है। इस फोटो पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहां पर आपको फोटो अपलोड करने के लिए इस तरह का ऑप्शन मिल जाएगा। यहां पर आप फोटो को कई फॉर्मेट में अपलोड कर सकते हैं। आप चाहें तो जेपीजी फॉर्मेट में अपलोड कर सकते हैं। इसके अलावा यहां पर कई और फॉर्मेट भी दिए हुए हैं। आपको ध्यान यह रखना है कि फोटो का साइज 100 KB से कम होना चाहिए, तभी आप यहां पर फोटो को अपलोड कर पाएंगे। अपलोड करने के लिए यहां पर क्लिक करेंगे, आपने जहां पर भी फोटो को स्कैन करके रखा है वहां से फोटो को अटैच करेंगे। यहां पर अभी मैंने इस फोटो को क्लिक किया है, ज्यादा एडिटिंग वगैरह नहीं किया है, मैं आपको अपलोड करके दिखा रहा हूं। तो यहां पर ये वाली फोटो को हम चेंज करेंगे, तो ये फोटो आप यहां पर देख सकते हो। इस फोटो को हमने सेलेक्ट कर लिया है, उसके बाद ओपन पे क्लिक करेंगे तो यहां पर आप देख सकते हैं फोटो आ चुका है। अब आपको यहां पर अपडेट पे क्लिक करना है। जैसे ही अपडेट पे क्लिक करेंगे फोटो सक्सेसफुली अपडेट हो जाएगा। उसके बाद यहां पर आप देख सकते हैं फोटो चेंज हो चुका है, फोटो पूरी तरीके से बदल चुका है। उसके बाद भी अगर आप और भी फोटो चेंज करना चाहते हैं तो यहीं से उसी तरीके से चेंज कर सकते हैं। अब चलिए ईमित्र को लॉग इन करके देख लेते हैं। तो यहां पर ईमित्र पे क्लिक करेंगे, ईमित्र को उसी तरीके से लॉग इन करेंगे। ईमित्र को लॉग इन करने के बाद यहां पर आप डाउनलोड सर्टिफिकेट पे क्लिक करेंगे। सर्टिफिकेट में आप देख सकते हैं यहाँ पर फोटो चेंज हो चुका है, यहाँ पर फोटो पूरी तरीके से बदल चुका है। चलिए हम यहाँ पर प्रिंट करके भी देख लेते हैं कि फोटो वही रहता है या फिर चेंज होता है। तो प्रिंट पे क्लिक करेंगे, प्रिंट पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं ये फोटो बदल चुका है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर सर्टिफिकेट में चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पर डैशबोर्ड की बात करें तो डैशबोर्ड पर भी फोटो चेंज हो जाता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। आपने वहाँ पर जो फोटो अपडेट किया है वही फोटो यहाँ पर आ जाएगा, थोड़ा सा टाइम यहाँ पर लगेगा। तो ये अपडेट होने में 5 से 6 घंटे लग जाते हैं, कई बार 12 घंटे तक लग जाते हैं। तो आप यहां पर जो फोटो अपलोड करेंगे असोसो आईडी में, जो फोटो अपलोड करेंगे वही फोटो आपके यहां पर सर्टिफिकेट में आएगा और वही फोटो आपके ईमित्र डैशबोर्ड पर भी शो होगा। तो इस तरीके से आप ईमित्र सर्टिफिकेट और डैशबोर्ड पर फोटो चेंज कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं जानकारी समझ में आ गई होगी। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो या फिर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। अगर आपके मन में कोई भी सवाल या सुझाव है तो आप कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों।